हाय फ्रेंड, सुजीत राजेश के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बताऊंगा, आप जेड अचीवर ऐप्स को ओपन कर रहे हो तो उसमें आप फाइल पे कोई ओपन कर रहे हो तो कैन नॉट यूज दिस फाइल आ रहा है, कुछ इस तरह का आ रहा है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं, देख सकते हो कुछ इस तरह का ऑप्शन खुल रहा है। मैं भी जेड अचीवर ऐप्स को खोल रहा था तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आ रहा था, कैन नॉट यूज दिस फोल्डर, आपका इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। आप देख सकते हो नीचे यूज दिस फोल्डर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं बनेगा, ये ऑप्शन खुलेगा ही नहीं और यहाँ पर क्रिएट न्यू फोल्डर लिखेगा। लेकिन अगर आप क्रिएट न्यू फोल्डर भी करोगे तो यही ऑप्शन आएगा। ये प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रहा है, दो चार दिन से ये प्रॉब्लम ज़्यादा चलने लगा है, क्योंकि मुझे बहुत इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों ने मैसेज किया कि सर ये प्रॉब्लम चल रहा है और ये ओपन नहीं हो रहा है। तो आज मैं इसका ट्रिक बताने वाला हूँ कि इसको कैसे सही कर सकते हैं। ये कैन नॉट यूज दिस फोल्डर, आपके साथ भी प्रॉब्लम आ रहा है, इसको मैं लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा, लाइव प्रूफ ठीक करके दिखाऊंगा। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस बताते हैं इसको सही करना किससे करना है। तो पहली बार चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ। तो आइए अपना जेड अचीवर ऐप्स ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे आना होता है। जैसे कि मैं अपने प्ले स्टोर पे आ चुका हूँ, प्ले स्टोर पे आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है जेड अचीवर ऐप्स। जैसे कि मैं जेड अचीवर ऐप्स को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। देख सकते हो होता क्या है इसमें, क्या हमेशा न्यू अपडेट आता रहता है। अगर आप न्यू अपडेट नहीं करोगे इसे तो ये काम करना बंद कर देता है, तो इसीलिए हमेशा इसको न्यू अपडेट आपको करना होता है। तो जैसे कि देख सकते हो मेरा डायरेक्ट ओपन का ऑप्शन दे रहा है, आपका हो सकता है यहाँ अपडेट का ऑप्शन दे रहा होगा, तो इसे अपडेट कर लीजिएगा यहाँ से। तो अपडेट करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट ओपन का फिर ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, यहाँ पर मेरा अपडेट नहीं मांग रहा है क्योंकि मेरा न्यू अपडेट है। अगर आपका अपडेट नहीं है तो ये अपडेट पहला कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद आपको क्या करना है, जैसा कि मैं यहाँ पर बैक आ चुका हूँ और जेड अचीवर ऐप्स को अपना मोबाइल में खोल लेता हूँ। देखिए मैं आ चुका है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। इसके बाद देख सकते हैं कोई भी एंड्रॉयड पे में कोई भी जाते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड यहाँ देख सकते हो थर्ड नंबर पर है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इसमें मैंने क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर देख सकते हो डाटा का OBB का ऑप्शन मिला है। अब डाटा या OBB कुछ भी हम डाल के चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने डाटा पर क्लिक कर दिया, डाटा पर क्लिक किया, देख सकते हो फॉर राइट डाटा फोन स्टोरेज डाटा यू मस्ट चूज पाइथन इट्स फोल्डर, ओके पे क्लिक कर लेते हैं। ओके पे क्लिक करें, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका होगा, देख सकते हो यही प्रॉब्लम चल रहा है। कैन नॉट यूज दिस फोल्डर, क्रिएट न्यू फोल्डर, देख सकते हो इस तरह का ऑप्शन आ गया। अब यहाँ यूज दिस फोल्डर नीचे ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, देख सकते हैं क्या लिख रहा है, प्रोटेक्ट प्राइवेसी, ये नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ से नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं, यहाँ पे मतलब काम नहीं कर रहा है, इसको हमको सही करना है। इसको हम पूरा कट कर लेते हैं, इसको भी पूरा कट कर लेते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, अपने मोबाइल की सेटिंग पे आना होता है। जैसे कि मैं अपने मोबाइल की सेटिंग को ऑन कर लेता हूँ, देखिए मैंने अपने मोबाइल की सेटिंग को ऑन कर लिया। मोबाइल सेटिंग को ऑन करने को कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जो सभी का सेम आता है। इसके बाद आपको करना क्या होता है, यहाँ पे सभी का मोबाइल में वो एक सेटिंग आता है जो ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन आता है। वो हो सकता है आप में ऐप लिस्ट का डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा होगा, और हो सकता है एडिशनल सेटिंग में आप क्लिक करोगे तो आपको ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ मेरा कहाँ पे ये ऑप्शन मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे चेक कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे चेक किया तो ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मुझे डायरेक्ट यहाँ पे मिल चुका है। देख सकते हो यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट डायरेक्ट मिल गया। हो सकता है आपके मोबाइल में एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करोगे, जैसा कि इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि बहुत मोबाइल में सबके सेटिंग अलग होती है। तो यहाँ पर मेरा नहीं है, आपका हो सकता है एडिशनल सेटिंग में होगा या फिर डायरेक्ट ऐप मैनेजमेंट होगा। ऐप मैनेजमेंट में मैंने क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका होगा जो सभी के मोबाइल में सेम होता है। इसके बाद देख सकते हो ऐप लिस्ट का ऑप्शन जीरो मेरा फर्स्ट बार में दे रहा है, हो सकता है आपका ऊपर नीचे होगा, वो अपना मिला लीजिएगा, वो चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो ऐप लिस्ट का ऑप्शन, ऐप लिस्ट पर हम क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे कुछ तरह का लोडिंग लेगा। होता क्या है, यहाँ पर जितने भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो सभी एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ ये लोडिंग ले लेते हैं, लोडिंग लेने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हो दो डॉट्स जो किनारे मुझे दिख रहा है, दो डॉट्स पर क्लिक करना। हो सकता है ये दो डॉट्स आपका नीचे भी हो सकता है, मेरा ऊपर है, तो दो डॉट्स पर क्लिक करना। इस पर हम क्लिक कर चुके हैं, इसे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका होगा। यहाँ सिस्टम लिखेगा, सो सिस्टम पे क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका होगा। अब सो सिस्टम पे आपने क्लिक कर दिया तो इतना यहाँ पे इसमें जितने भी एप्लीकेशन जो हार्ड में चल रहे हों वो भी आपको यहाँ पे सूख कर जाएंगे। इसके बाद आपको करना है यहाँ पे फाइल का ऑप्शन जो खोजना है। जैसा कि मैं एफ लिख लेता हूँ, LI लिखता फाइल लिख दिया, तो मैंने फाइल लिख दिया। फाइल लिखने के बाद दो ऑप्शन खुल चुका है, एक ऐप फाइल मैनेजर है, एक फाइल्स है। तो हम फाइल मैनेजर पहले क्लिक करके देखते हैं सेटिंग वो आपका कहाँ पे है जो इसको सुधारने के लिए। तो इस पर फाइल पे क्लिक कर ले, फाइल पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं कुछ इस तरह का ऑप्शन आ चुका है, लेकिन बाकी वो ऑप्शन नहीं होगा जो चाहिए होगा हमें, क्योंकि जो ऑप्शन उसमें चाहिए यहाँ पर किनारे दो डाउट्स रहेगा, दो डाउट्स रहेगा तो मतलब वो खुल जाएगा। क्योंकि होता क्या है, फाइल मैनेजर बहुत लोगों में बहुत मोबाइल में दो या तीन होता है, इसको आपको एक करके चेक करना होता है कि ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा वो ठीक करने।
रहने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हो दो डॉट्स यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर हम बाइक आ जाते हैं। इसके बाद फाइल पे क्लिक करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे देख सकते हो दो डॉट्स ऊपर किनारे दे रहा है, उसमें फाइल्स मैनेजर में नहीं था लेकिन फाइल्स में दो डॉट्स किनारे दे रहा है, मतलब यही इसी में सेटिंग वो होगा, उसी से वो सही होगा। इसके बाद आपको करना क्या है, स्टोरेज पे, स्टोरेज पे क्लिक करना है, स्टोरेज पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका होगा। इसके बाद यहाँ पर एक क्लियर डाटा है, एक क्लियर कैचे है, तो आपको यहाँ का क्या करना है, क्लियर कैचे यहाँ पे कर देना है। क्लियर कैचे यहाँ पे हम कर लेंगे, क्लियर कैचे करके हम यहाँ से फिर बाइक हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्लियर कैचे हम कर लेते हैं, अब क्लियर कैच करके यहाँ से बाइक आ जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लियर कैच कर लेता हूँ, क्लियर कैच मैं करने के बाद आपको यहाँ से बाइक आ जाना है, यहाँ से बाइक आ चुके हैं। इसके बाद दो डॉट्स है, दो डॉट्स पर क्लिक करना है, दो डॉट्स पर क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हो अनइंस्टॉल अपडेट लिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है और ये सब कुछ सही हो चुका है। यहाँ से हम डायरेक्ट बाइक कर लेंगे, यहाँ से डायरेक्ट बाइक कर लेंगे, यहाँ से देखिए मैंने बाइक कर दिया, यहाँ से बाइक करेंगे तो वो अब आपका जो भी ये प्रॉब्लम चल रहा है कैनोट यूज इट फोल्डर, वो प्रॉब्लम आराम से सही हो चुका होगा। आप जो भी फाइल यूज़ कर रहे होंगे वो आराम से खुल जाएगा और न्यू फोल्डर बनाने नहीं बोलेगा, जैसा कि मैं आपको